हार्वेस्टर। बालाकोट नाम के गांव में सभी किसान थे। गेहूं उगा के वो अपना जीवन बिताते थे। हर रोज सुबह वो ट्रैक्टर में खेत के पास जाकर खेती करते थे। एक बार वो सब चौपाले में बैठकर, उनमें से एक किसान, पाजी हमारा फसल काटने का वक्त आ गया है, 2 दिन में हमारे फसल को काट के स्टोरेज के लिए भेजना होगा। हम सबको एक एक के पास 20-20 एकड़ जमीन है, सबको एक साथ काटना मुश्किल होगा। वैसे समय भी बहुत कम है, हमारे पास हार्वेस्टर भी नहीं है। हार्वेस्टर हमारे श्यामलाल के पास है, चलो जाके पूछते हैं। वैसे वो तीन किसान श्यामलाल के पास आए। श्यामलाल बहुत घमंडी और लालची किस्म का इंसान था। उसके पास वो तीन किसान जब आए, उनमें से एक किसान, देखिए श्यामलाल हमारा फसल काटने का समय आ चुका है, हम अपने फसल को हार्वेस्टर की मदद से काटना चाहते हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? जरूर करूंगा, पर 1 घंटे का 500 रुपया लूंगा। घंटे के 500 मतलब बहुत ज्यादा होगा। वो सब मुझे नहीं मालूम, आपको पसंद है तो ही आऊंगा। लाचार होके किसान हाँ बोले। तो श्यामलाल अपने हार्वेस्टर को लेकर आके खेत में हार्वेस्ट करने लगा। वैसे गांव के सारे किसान फसल कटवाने के लिए श्यामलाल के पास ही आते थे, क्योंकि उस गांव में किसी के पास हार्वेस्टर नहीं था। उस दिन श्यामलाल की पत्नी श्यामलाल से, क्यों जी आप इतना ज्यादा भाव क्यों लगा रहे हो, कम दाम लगाएंगे तो सब लोग आपके हार्वेस्टर को इस्तेमाल कर पाएंगे ना। ये व्यापार है, देखा ना अनाज का भाव दिन ब दिन कैसे बढ़ते जा रहे, तो मेरे भाव बढ़ाने में बुराई क्या है? ठीक है, वो सब मैं देख लूंगा। अगले दिन श्यामलाल उसकी पत्नी के साथ मार्केट में जाते समय वहाँ एक दुकान के पास श्यामलाल गया। भैया 5 किलो अनाज दो। तो शॉप वाले ने, रेट बढ़ गया है श्यामलाल, इस बार फसल उगाने के लिए बहुत खर्चा हुआ है, इसलिए भाव बढ़ गया है। तो श्यामलाल उसकी पत्नी से, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लोग हमसे लूट रहे हैं, उनकी मनमर्जी चल रही है। क्यों जी आप इसे उसे ताने दे रहे हैं? आप भी फसल काटते समय हार्वेस्टर के लिए भाव ज्यादा लगाए थे ना, तो आप सबको क्यों दोष दे रहे हैं? तो तुम कहना क्या चाहती हो, अनाज का दाम मेरे वजह से बढ़ गया है? मैं वो सब नहीं जानती, आप ऐसे ही दाम बढ़ाते जाएंगे तो गांव में भिखारी गरीबों की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। तो अगले दिन किसान श्यामलाल के पास जब आए, तब श्यामलाल उनसे, साहब गांव में अनाज का भाव बहुत बढ़ गया है, हम सब एक होके इसके ऊपर विचार करना होगा। अच्छी सोच है श्यामलाल, हमें ज्यादा प्रॉफिट्स के बारे में कम सोचकर हर कोई अपने व्यापार में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स को कम करने से अनाज का रेट कम होगा और सब लोग खरीद भी सकते हैं। अनाज का दाम कम होगा तो सेल्स भी बढ़ेंगे, मुनाफा भी ज्यादा होगा। वैसे श्यामलाल अपना हार्वेस्टर का दाम को घटा के 300 रुपए में कर दिया। सभी किसान एकजुट होके प्रॉफिट्स के बारे में जब कम सोचना शुरू किए, तो उस गांव में अनाज का भाव कम हुआ और गांव में गरीबी कम हुआ और सबको भरपेट खाना मिला। कैलाशपुर नाम के गांव में भूषण नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 10 एकड़ जमीन और कुछ बैल थी। हर सुबह वो अपनी बैल को ले जाकर खेती करता था। भूषण का एक बेटा रवि शहर में पढ़ाई करता था। रवि बहुत बुद्धिमान था, कॉलेज में नंबर 1 स्टूडेंट था, पढ़ाई और खेल को दोनों में प्रथम आता था। एक बार कैलाशपुर गांव में ठीक से बारिश ना होने के कारण भूषण को खेती में बहुत नुकसान हो गया। भूषण खेती के लिए जो उधार लिया था वो चुकाने उसके पास पैसे ना होने के कारण उसे अपना आधा जमीन बेचना पड़ा। उस शाम भूषण ने अपनी पत्नी से कहा, बारिश इस बार ठीक से ना होने के कारण फसल ठीक से नहीं होगा, बहुत नुकसान हुआ है सुकना। आप परेशान ना हो जी, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे कहा। उधार देने वाला ने दबाव डाला तो पैसे चुकने की वजह से आधा जमीन बेचना पड़ा, इसके बावजूद भी कुछ और उधार चुकाना बाकी है। इतने में पोस्टमैन पोस्ट करके चिल्लाया। भूषण वो चिट्ठी को लेकर पढ़ने लगा। कहां से जी? हमारे बेटे चिट्ठी लिखा है कि उसकी कॉलेज फीस भरनी है। अभी कॉलेज ये फी ये सब जरूरी है क्या? अब पढ़ाई जितनी की है उतनी काफी है, वापस आकर आपकी मदद करने के लिए कहें।
गलत है सुगना, उसे इतनी मेहनत से इसलिए पढ़ाया ताकि वो हमारे तरह नहीं बनकर जिंदगी में अच्छी तरीके करे। अभी उधारी के साथ उसकी फीस कैसे भरोगे? फिर से जमीन बेचोगे क्या? भूषण मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। भूषण ने अपना एक और एकड़ जमीन बेचकर रवि की कॉलेज फी भरी। रवि अपने गांव आया। जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि उधारी देने वाले लोग और भूषण में कुछ गंभीर बातचीत चल रही थी। श्रीमान, थोड़े दिन को समय दीजिए, उधारी पूरा चुका दूंगा। इस साल खेती में नुकसान हुआ, वरना इतनी बड़ी परेशान नहीं होती। ठीक है भूषण, तुम्हें एक और साल का वक्त देते हैं पूरी उधारी चुकाने के लिए। रवि अपने पिताजी की समस्या देखकर सहम गया। उसकी माँ ने जो हुआ वो सब बताया। अगले दिन रवि अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने इस परिस्थिति के बारे में सोचा। जो मुश्किलें आपने अब तक उठाई वो बहुत है। आपने पढ़ाया और बुद्धि को इस्तेमाल करके मैं इस घर के परेशानी को दूर करूंगा। रवि, ये सब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। अच्छी नौकरी मिले है ना, उस पर ध्यान दो। मैं वहाँ एसी में बैठूं और आप यहाँ इस परेशानी में रहे, ऐसे में कोई पर भी सुकून में नहीं रह सकता हूँ। एक साल में अगर हमने पूरी उधारी चुकानी है तो हमने बेल से नहीं ट्रैक्टर से खेती करना होगी। ट्रैक्टर? इस पूरे गांव में अब तक किसी ने ट्रैक्टर नहीं खरीदा है। उतने पैसे हमारे पास भी कहाँ है? नहीं है ना हमारे पास उतने पैसे। पिताजी मैं पढ़ाई की है, बैंक हमारे खेती की जमीन के लिए लोन दे सकती है, उस पैसों से ट्रैक्टर लेंगे। ट्रैक्टर है तो थोड़ी ही समय के अंदर खेत में लाभ मिल जाएगा। पिताजी रवि के सोच से प्रभावित होकर ठीक है कहा। अगले दिन जैसे रवि ने कहा, बैंक ने लोन मंजूर कर दिया। वो पैसों से रवि ने ट्रैक्टर खरीदा। रवि ट्रैक्टर की मदद से पूरा खेती करने लगा। थोड़े ही समय में उसने बीज भी बो दिया। आसपास के किसानों में से एक किसान ने कहा, अरे इसने एक ही दिन में पूरा खेत में हाल चला लिया। आज बीज भी बो दिया, कल पानी डालेगा, इसी हिसाब से वो 3 ही महीनों में पूरा फसल होगा। हाँ, हम 8 से 10 महीनों में जितना फसल उगाएंगे वो इतने ही समय में 2 बार उगा लेगा। हाँ, ये रवि 3 महीनों में ही पूरा फसल उगा लेगा लग रहा है। जिससे हमने उगाने के लिए 8 से 10 महीने लग जाएंगे। हम भी ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, ऐसे सबने सोचा। रवि कई वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने लगा। इस तरह फसल भी उग गया। फसल को बेचकर उसने अपने घर की परेशानी को दूर किया। उस गांव के दूसरे किसान ने भी रवि की मदद से ट्रैक्टर खरीद लिया। ऐसे वो सब खेती करने लगे। एक साल में रवि ने अपने घर की पूरी उधारी को चुका दिया। टैक्सी वाला। बद्रीपुर नाम के एक गांव में रघुराम नाम का एक टैक्सी वाला रहता था। वो बद्रीपुर स्टेशन के पास टैक्सी चलाता था। रघुराम सबको टैक्सी में बिठाकर गांव पूरा घुमा के पैसा कमाता था। टैक्सी में जो भी पैसेंजर बैठा तो रघुराम सर सीट बेल्ट लगाइए करके बोलकर बहुत सुरक्षा से उन्हें उनके घर तक छोड़ता था। रघुराम के अच्छा प्रवर्तन को देखकर एक पैसेंजर ने ऐसा बोला, पैसेंजर तुम गांव को अब बहुत अच्छे से सैर करवा रहे हो। अगले हफ्ते मेरे दोस्त आने वाले हैं, मैं उनको तुम्हारा नंबर दे दूंगा, तुम उन्हें भी ऐसे ही सैर करवा देना। ये बोलकर सब पैसेंजर्स रघुराम का नंबर लेते थे। रघुराम के साथ सोमेश भी टैक्सी चलाता था। सोमेश उनके टैक्सी को बहुत तेज से चलाता था, ट्रैफिक सिग्नल्स को भी फॉलो नहीं करता था और पैसेंजर्स के साथ बहुत गुस्से से बात करता था। जल्दी टैक्सी में चढ़ो, कितना देर करते हो, मुझे और बहुत लोगों को चढ़ाना है, ऐसा कहकर गुस्से में आता था। एक दिन एक रईस परिवार के लोग सोने के गहने पहनकर रेलवे स्टेशन के पास टैक्सी के लिए देख रहे थे। उसी समय पे सोमेश और रघुराम दोनों टैक्सी बाबू टैक्सी करके पुकार रहे थे। तब वो लोग रघुराम के टैक्सी के पास आए। हम इस गांव के रहने वाले हैं। इस गांव में गणेश जी का मंदिर बहुत प्राचीन करके सुना है। हमें भगवान के दर्शन के लिए जाना है, तो तुम उस मंदिर तक पहुंचाने के लिए कितना लोगे? सर आइए, 300 में पूरा पैकेज है। तब सोमेश ने कहा, सर मैं तो सिर्फ 100 रुपए में ही मंदिर ले जाऊंगा।
ये क्या है भैया, वो टैक्सी वाला तो सिर्फ 100 रुपए ही बोल रहा है और आप तो 300 बोल रहे हो। क्या आप हमें धोखा देना चाहते हो? तब रघुराम ने कहा, सर मेरे रेट में या तो मेरे बात में कुछ भी गलत नहीं है। मैं आपको मंदिर तक ले जाकर दर्शन करवा के फिर आपको रेलवे स्टेशन वापस छोड़ दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम उसी टैक्सी में जाएंगे क्योंकि वो 100 रुपए में ले जाएगा। सोमेश मंदिर आने से 1 किलोमीटर पहले ही टैक्सी को रोककर वो पूरे लोगों को नीचे उतरने को कहा और पैदल चले जाने को कहा। ये क्या है, मंदिर आने से पहले ही उतार दिया, मंदिर तक तो ले चलो। तब सोमेश ने कहा, जो भी भगवान के दर्शन करने के लिए आते वो लोग 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना रिवाज है। ऐसा कहकर वो पूरा परिवार को उधर ही छोड़ के चले गया और वो लोग बेचारे चलते हुए मंदिर तक चले गए। सोमेश फिर से रेलवे स्टेशन के पास आया और टैक्सी बाबू टैक्सी कहकर पुकारने लगा। इस बार एक पुलिस की परिवार आई। सर टैक्सी चाहिए क्या? तब वो पुलिस ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तब रघुराम ने बोला, सर मेरा नाम रघुराम है, आपको कहाँ जाना है सर? करके पूछा। तब पुलिस ने कहा, मुझे 2 टैक्सी चाहिए, हमारा पूरा परिवार गणेश जी के दर्शन करने आया है। इतने में सोमेश आया और बोला, सर टैक्सी चाहिए क्या? सर आपको 2 टैक्सी चाहिए ना, तो 2 टैक्सी को मिला के 1000 रुपए दे दो। तब पुलिस ने कहा, ठीक है। तब वो पुलिस के परिवार 2 टैक्सी में बैठकर निकले। पुलिस ने सोमेश की टैक्सी में बैठा और बोला, ए भाई सीट बेल्ट तो लगा लो। तब सोमेश ने कहा, आपको क्यों सर, मैं सीट बेल्ट लगाता या नहीं लगाता, बस आपको मंदिर तक छोड़ना है ना। तब पुलिस को बहुत गुस्सा आया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। सोमेश बहुत तेज से टैक्सी चला रहा था और ये देख के पुलिस ने बोला, अरे इतना तेज क्यों चला रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी गाड़ी की लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए? तब सोमेश ने बोला, अरे आप बहुत बात कर रहे, आपको मंदिर तक जल्दी पहुंचना है ना, इसलिए मैं तेज चला रहा हूँ, और मुझे भी वापस जाकर एक और पैसेंजर को देखना है ना। इतने में सोमेश उसके ट्रैफिक सिग्नल बिना देखे क्रॉस कर दिया। तब पुलिस ने कहा, अरे ये क्या भैया, आपने तो सिग्नल भी बिना देखे क्रॉस कर दिया। तब सोमेश ने कहा, अरे ये क्या सरदर्द है, आप इतने रूल्स क्यों बात कर रहे हैं, आप पुलिस है क्या? हमारे गांव में पुलिस मुझे कुछ नहीं बोलते, आप मुंह बंद नहीं करे तो आपको इधर ही छोड़ के चले जाऊंगा। पुलिस वाले ने सोमेश को जैसे ही बोला वैसे ही 1000 रुपए दे दी। ये लो तुम्हारे 300 रुपए। तब रघुराम ने कहा, अरे ये क्या, हम तो दोनों टैक्सी के 500 रुपए में बात किए थे। तुम सब लोगों को 300 के पैकेज में ही ले जाते हो ना, इसलिए तुमको 300 और मुझे 700, ठीक है, कुछ भी ज्यादा नहीं बोलने का। ये सही बात नहीं है, ये गलत है। तब सोमेश ने कहा, मैंने अपने समझदारी से ये 700 रुपए कमाया हूँ, तुमको इसमें क्या लेना देना है, तुम जाकर अपना काम देख लो। तब फिर से दोनों रेलवे स्टेशन के पास आए। इतने में एक कांस्टेबल सोमेश के पास आया और पूछा, सुनो कार नंबर 1272 तुम्हारा ही है क्या? हाँ मेरा है, बोलो क्या बात है? तब कांस्टेबल ने कहा, ये लो तुम्हारा बिल। तब सोमेश ने कहा, क्या बिल मतलब? तब कांस्टेबल ने कहा, तुम सीट बेल्ट नहीं पहने, रैश ड्राइविंग करे और ऊपर से सिग्नल भी तोड़ा, ये सबका मिला के 3000 फाइन आपको भरना है, समझ गए, वरना आपका कार सीज हो जाएगा। तो कांस्टेबल ये बोल के वहां से चले गए। देखा, गलत रास्ते में पैसे कमाओगे तो ऐसे ही होगा, अगर तुम ईमानदारी से व्यापार करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।